दोस्तों, अफवाहें जो होती है ना वो अक्सर धोखा देती है। जी हाँ दोस्तों, मुझसे अगर ये विचार मांगा जाए, मुझसे ये पूछा जाए कि अफवाहें कितना परसेंट सच होता है, तो भैया मैं तो यही बोलूंगा कि 1 से 1.5% ही अफवाह जो है सच होता है, बाकी जो 99% या 98.5% आप बोलिए वो झूठ होता है, धोखा होता है। क्योंकि भैया सच्चाई सच्चाई होता है, सच्चाई का कोई मोल तोल नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको यही बोलूंगा, अफवाह पे विश्वास ना करें। क्योंकि अफवाह तो ये भी था, अफवाह तो ये भी था। अरे देख कर रहे हैं भैया, थोड़ा इरशाद दीजिए, सराहना मूड में आ गया हूं भाई। अफवाह तो ये भी था कि उन्हें हमसे इश्क हुआ है, अफवाह तो ये भी था कि उन्हें हमसे इश्क हुआ है, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ कर बेवफा बना दिया। तो दोस्तों ये जो अफवाह है यही है भैया, कुल मिला के अफवाह के बारे में मैंने आपको एक शायरी के तौर पे बता दिया। अब बात करते हैं कि आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कौन सा अफवाह पे है। दरअसल बात ऐसा है कि कीबोर्ड 91 के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कीबोर्ड 91 जो है क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो करना कुछ नहीं है, ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आपको मिल रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि ये क्रिप्टो करेंसी लाने वाला है। ठीक है, अब जब मैं ये वीडियो बनाया तब से जो है उस वीडियो पर आप लोग का कमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? सर इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया है, बैन होने जा रहा है। सर फेक न्यूज क्यों देते हैं आप? सर जो है अपडेट क्यों नहीं रहते हैं? अब मेरा माथा ठनका, मेरा जो है माथा ठनका भैया। कमेंट आप लोग का मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई देता हूं, तो मुझे लगा कि क्या सच्चाई में ऐसा है, सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो कीबोर्ड 91 को मुझे रोकना पड़ेगा कि भैया आप क्यों ला रहे हो क्रिप्टो करेंसी, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, घाटा हो जाएगा भाई। मैंने पता किया, तो जो पता किया और पता लगाया तो मुझे क्या क्या पता चला इसके बारे में, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कुल मिला के ये अफवाह है, सच्चाई क्या है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि आग कहीं लगता है और धुआं कहीं उठता है। कहने का मतलब यह है कि बात कुछ तो रहता है, कुछ तो ठीक रहता है, आग लगी होगी तभी धुआं उठा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आग जो इतना भयानक लगी हो कि जला दे। ठीक है, तो वही बात यहां है भैया। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, चलिए वेलकम है सर, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता भी हूं, अच्छा भी लगता है, आप लोग करते हैं, प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी आप लोग कमेंट करते हैं। लेकिन उसी कमेंट में दोस्तों इस वीडियो के लिंक से हट के मैं थोड़ा बात बोल रहा हूं। एक्चुअली कुछ लोग जो है कमेंट में मुझे गालियां भी देते हैं, कुछ लोग जो है मुझे ये बोलते हैं कि ये फैक्ट न्यूज नहीं देता है, ये जो है गलत न्यूज पेश करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन उनको भी मैं स्वागत करता हूं, वेलकम है सर। लेकिन भाई आप लोग ये जो गालियां या जो है ताना आप लोग कसते हो कमेंट के माध्यम से, क्यों कसते हो ये भी मुझे पता है। क्यों? क्यों कीबोर्ड 91 में आपको पेमेंटवा नहीं मिल रहा है ना, पैसा नहीं मिल रहा है, तो पैसा नहीं मिला है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और सारा फ्रस्ट्रेशन जो है हम पे कमेंट के माध्यम से निकालते हो। क्यों? क्योंकि मैं कीबोर्ड 91 पे वीडियो बनाता हूं। ठीक है, लेकिन एक बात बोलता हूं दोस्त, जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा ना आपको पछतावा जरूर होगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला इस भाई को, क्योंकि मैं दिल से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं, डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, तो पछतावा तो होगा, कहीं ना कहीं होगा जब जब आपको पेमेंट देगी कीबोर्ड 91। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता रहूंगा, जवाब देता रहूंगा, प्यार तो मैं वैसे ही करता रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए मूड को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा मूड इमोशनल हो गया था, अब मूड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो पे दोस्तों। तो आज का वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में जो न्यूज आया है, जो न्यूज जो है फैलाया जा रहा है, अफवाह जो उड़ा है, वो भैया अफवाह है, बिल्कुल सच है या अफवाह है, ये सही न्यूज नहीं है। तो सही क्या है इस वीडियो में आप पूरा देखिए। तो भैया मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा सच्चाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्त आते हैं आज के टॉपिक पे। तो भैया आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि जो अफवाहें होती है ना एक कैंसर की तरह होती है, बहुत जल्दी जो है ना हवा में घुल मिल जाता है,
फैल जाता है, सॉरी मैंने कैंसर बोल दिया, विषाणु की तरह होती है, मतलब जो हवा में घुलने वाला जो होता है वो उसी तरह का होता है। बहुत लोगों तक ये जल्दी चला जाता है, कानों तक पहुंच जाता है और लोग इसी को सच्चाई मानने लगते हैं। तो चलिए इस अफवाह को मैं दूर करता हूं, आपको सच्चाई बताता हूं एक्चुअली में सच्चाई क्या है। दोस्त आप जानते ही होंगे कि कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था जब बनाया जाता है तो किस लिए बनाया जाता है। हमारे देश में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रहे हैं, सब पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं हैं अलग अलग फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है और जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप जानते ही हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहां पे होता है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारा नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वजीरेक्स। और तो दोस्त ये क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है दोस्तों FATF। क्या नाम है? FATF। इसको अगर फुल फॉर्म में करूं तो दोस्तों यही होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करता है, इस पर कंट्रोल करता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे है, जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे है तो संस्था भी इंटरनेशनल लेवल पे होगा। अब क्या है, इस संस्था को यह लगा कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का जो काम चल रहा है, लोग जुड़े हुए हैं, तो यहां पे कुछ गलत हो रहा है। जैसे उनको यह लगा कि भैया कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज है। टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधियों में भी ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका जो इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो उनको ये लगा। तो उन्होंने क्या बोला, एक सजा मतलब एक सलाह दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया आप इस पे जो है एक कानून बनाओ। कानून क्या, ये जो FATF है उसके अंतर्गत जो भी नियम है, किस नियम से जो है आप क्रिप्टो करेंसी को रखिए, इस नियम से इस शर्त पे चलना होगा, उस शर्त को फॉलो करवाइए। तो जो लोग जो क्रिप्टो करेंसी इस शर्त को फॉलो करता है, FATF का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करता है, उसको आप परमिशन दीजिए और उसको नहीं दीजिए जो नहीं करता है, सीधा बात है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो भैया वो बैन नहीं होगा। बैन कौन होगा, जो जाहिर सी बात है सरकार के यहां रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, अब से जो है क्रिप्टो करेंसी कोई भी लॉन्च करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन उसको लेना होगा। FATF का ये नियम है। और जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट जो FATF के जो शर्त है, जो टर्म एंड कंडीशन है, उसी के आधार पे आपको परमिशन देगी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट से ये लेगा, परमिशन देगा जिसको इंडियन गवर्नमेंट, भैया वो लीगल है, वो सही है, उसको बैन नहीं किया जाएगा। बहुत ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसका कोई मालिक ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि इसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है, तो वैसे क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इंडिया में एक डाटा मैं आपको दे रहा हूं, जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में करीब 10 करोड़ लोग इस क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज में बिजी हैं, कार्यरत है, ठीक है, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों ये होता है यहां पे ट्रांजेक्शन, यानी कि एक तरह से बोलिए कि इन्वेस्टमेंट है। ये मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है लेकिन मैं लगभग के तौर पर आपको बता रहा हूं। अब बताइए इतना सारा पैसा है, अगर सबको बैन कर देगा यार तो 6 लाख करोड़, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। इसलिए प्लीज इसको जो है एक रेगुलेशन दिया जा रहा है, एक कानून बनाया जा रहा है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, आज से यानी कि 29 तारीख से 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह चलेगा कब तक, 23 दिसंबर तक। और इसमें जो भी है मैं बताना चाहूंगा, 25 को जो है प्रस्ताव इसमें रखने वाला है, 25 बिल बनने वाला है, जिसमें से ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो बिल है ये 10वां नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो सिर्फ हड़बड़ाइए नहीं आप लोग, ठीक है। और जो कीबोर्ड 90 जो क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है, जाहिर सी बात है भैया लीगल रहेगा तभी ये देगा, इंडियन गवर्नमेंट इसको परमिशन देगा तभी ये लॉन्च करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको परमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्लीज आप लोग इस अफवाह को जो है मिटा दीजिए, अपने दिलो दिमाग से जो आप बैठा लिए हैं इसको खत्म कर दीजिए। बैन नहीं होने वाला है बल्कि इसको जो क्या है कानून में जो है लाया जा रहा है, यानी कि कानून का ये जो शर्त है इसको पालन कीजिएगा तो सही है, और जो पालन नहीं करेगा आउट, गेट आउट, ठीक है, समझ गए जी। कुल मिला के यही है। तो मुझे तो अब कहने की जरूरत नहीं है कि भैया इसका जो अफवाह है, आप लोग समझ गए होंगे कि भैया सही में ये अफवाह था,
जो आप लोगों ने सुना था, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सर बैन होने वाला है, तो बैन नहीं होने वाला है, समझ गए। चलिए दोस्तों, और मैं खुलासा कर देता हूं आपको, इसको समझाता हूं और डिटेल से। दोस्तों इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, मैं वहां पे एक लिंक आपको दे रहा हूं। आज तक जो पेपर ऑनलाइन होता है उसका मैं एक न्यूज है वो मैं दे रखा हूं, उसका लिंक होगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, उसको पढ़ सकते हैं कि बैन नहीं कर सकती है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों और मैं आपको बता रहा हूं, जब मुझे ये पता चला तो सीधे मैंने कीबोर्ड 19 को फोन लगाया, और महेश सर आपको याद होगा जो ये क्रिप्टो करेंसी मतलब कीबोर्ड 19 का जो टेक्निकल विभाग को संभालते हैं महेश सर, मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में, उनका ऑडियो भी मैंने आपको सुनाया है जो मैंने बात किया था। तो भैया इस टॉपिक पर ही मैंने बात किया, क्यों नहीं बात करता, करता कि नहीं करता, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बात किया। तो दोस्तों उसका भी रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, सुन लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देख लीजिएगा, क्या करे भाई, ऐसा ही टॉपिक ही था, आप लोग का जो अफवाह है उसको मुझे खत्म करना था। तो भैया ये ऑडियो भी आप लोग सुन लीजिए, तो चलिए मैं अपने मोबाइल में आपको लेकर चल रहा हूं, ऑडियो थोड़ा सुन लीजिएगा क्या मैंने बात किया था, सर ने क्या बोला है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग कीबोर्ड 91 के यूजर है भैया, और क्रिप्टो करेंसी भी आप लेने वाले हैं, तो ये नॉलेज होना चाहिए, तो इस ऑडियो को आप पूरा सुन लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में आपको लेकर चलूंगा, तो तैयार है, क्यों नहीं तैयार होंगे, तो चलिए मेरे मोबाइल में। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये जो न्यूज आया है क्रिप्टो बैन होने वाला, ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब तो बैन हो जाएगा तो फिर कैसे लॉन्च करेगी कंपनी, किसने का बैन होने वाला है, न्यूज अभी आ रहा है ना सर, ये गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनियों का बैन नहीं हो रहा, पहली बात तो वो आधी अधूरी न्यूज है, रेगुलेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, रेगुलेट का मतलब है आप हवाला ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे एक्सचेंज पे काम नहीं कर सकते जिनके पीछे कोई नाम ना हो, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं जिनके पीछे ना उनके मालिक का पता नहीं होता है जी, ठीक है, उन्हें एनोनिमस बॉडीज कहा जाता है, वो सारे बैन हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर वही क्रिप्टो करेंसीज या एक्सचेंज चल सकते हैं जिनकी कंपनियां बाकी सारी चीजें रजिस्टर्ड हो, मतलब जिनके पीछे कौन है ये पता हो सबको। अच्छा 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 अच्छा, ये होने वाला है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पीछे कौन है, जैसे बियांस है, दुनिया के सबसे बड़ा एक्सचेंज है ना जी, लेकिन उसका मालिक कौन है किसी को भी नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल वो अचानक से बियांस बंद करके भाग जाए तो किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया, वो सारा पैसा कहाँ गया। अच्छा हाँ हाँ जी, समझे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा रेगुलेटर ला रही है कि ऐसी कंपनियां जिनके पीछे के मालिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने ऑडियो सुन लिया होगा और सारी जानकारी जो मैंने आपको दिया आपको समझ में आ गया होगा, तो आप तो क्लियर हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि कीबोर्ड 91 जो क्रिप्टो करेंसी ला रही है सही है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ गए, सारी बात तो समझ गए होंगे। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट का द्वार तो खुला हुआ है, झट से अपना जो है मोबाइलवा उठाइए और जो है टाइपिंग वा करके ये जो कीबोर्ड 91 का जो कीपैड है उसको ओपन कीजिए और टाइप कर दीजिए, हमको लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तब, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा, और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पहुंचाइए लोगों तक, जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीबोर्ड 91 में वो क्रिप्टो करेंसी लेंगे तो इसकी जानकारी उनके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके मन में भी ये अफवाह गढ़ कर गया होगा, बैठ गया होगा, तो उनके मन से जो इस अफवाह को निकालिए, इस वीडियो को शेयर करके उनको दिखाइए, बताइए, समझाइए, समझ गए। तो चलिए दोस्त इसी के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।